अभी आए हुए थे वशिष्ठ टेम्पल में, अभी फिलहाल टेम्पल क्लोज है। 2 से 3 बजे तक टेम्पल की टाइमिंग है कि टेम्पल क्लोज होता है, लंच टाइमिंग है। बाकी यहाँ पे शिव टेम्पल भी है, वो 1 से 2 बजे तक क्लोज रहता है। अगर आप आ रहे हो तो कुछ टाइमिंग आप भी मैनेज कर कर आना, क्योंकि इन टाइमिंग्स पे आपको टेम्पल क्लोज मिलेगा। बाकी मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर आपको फूड के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कैफे मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, ढाबे मिल जाएंगे। हम भी यहाँ पर रुके थे कुछ ना कुछ जूस पीने के लिए और कुछ ना कुछ थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल टेम्पल क्लोज हुआ हुआ है। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है, बहुत तेज़ धूप है अभी तो फिलहाल। जाते हैं अंदर, देखते हैं कैसा लगेगा मंदिर जाके, फिर बताएंगे। ले लो मैडम, ले ली। में मनाली गए थे ना अभी? मनाली हाँ, वहाँ पे ओल्ड मनाली में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पे आंटियाँ मिल जाएगी, जिनके हाथ में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे यहाँ पर खरगोश होंगे। कितने चार्जेस लेते दीदी? 20 रुपये फ़ोटो खिंचवाने के लिए, एक बंदे का, एक आदमी का। बाकी यहाँ पे बहुत सारे आपको दीदी मिल जाएंगे, आंटियाँ मिल जाएगी, जहाँ पर आप उनके हाथ में बहुत प्यारे प्यारे खरगोश होंगे, जो कि आप इनके साथ फ़ोटो ले सकते हो। तो अभी यहाँ पर आते हो तो वशिष्ठ टेम्पल में भी आपको मिल जाएंगे। अभी हम हडिम्बा देवी टेम्पल गए थे तो वहाँ पर भी हमने इंजॉय किया था, और यहाँ वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। तो यहाँ पे आंटियाँ मिल जाएगी आपको, जिनके हाथ पे बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे खरगोश होंगे और लैम्प भी होंगे, जहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। 20-20 रुपये सिर्फ इनके चार्जेज़ हैं, 20 रुपये पे करके आप थोड़ी देर फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। बाकी मैं भी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहा हूँ, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो जी करीबन 3:30 बजे का टाइम हो गया और मंदिर अभी तक ओपन नहीं हुआ। बड़े सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे, जिनको जो कि वेट कर रहे थे कि मंदिर टाइम से ओपन होगा और वो दर्शन करके जाएंगे। बहुत सारे लोग निकल गए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से निकल गए हैं, और हम भी यहाँ से निकल रहे हैं अभी जाने के लिए जोगरी वाटरफॉल, जो कि यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर है। तो चलते हैं जी जोगरी वाटरफॉल और इन्जॉय करते हैं वहाँ जाके। हाँ जी, ये क्या चीज़ है दीदी, ये क्या रखा हुआ? इसमें आटा की बोरी है। आटे की बोरी? हाँ जी, 45 kg। 45 किलो? रोज आप नीचे जाते हो ऐसे ही सामान लेके? ये तो 45 साथ का बेट था थे हम। अच्छा, और आपका घर कहाँ पे है? ये सामने ग्रीन छत वाला। अच्छा, तो रोज ऊपर नीचे आपको रोज जाना पड़ता सामान लेने के लिए? अच्छा जी, यहाँ पे बर्फ पड़ती है आंटी जी? हाँ जी, बहुत पड़ती है। कौन सा मंथ होगा बर्फ जब पड़ती होगी? बर्फ जब पड़ती है हमारी ये जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, कभी दिसंबर में भी पड़ती है। अच्छा, ये तो मौसम पर डिपेंड करता ना, क्लाइमेट पर। अच्छा, इस बार टाइम से पहले ही गर्मी आ गई, इतना गर्मी नहीं होता था। अभी मई जून तो है पर अप्रैल में ही शुरू हो गई गर्मी, इस बार पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपने तो अभी भी स्वेटर पहना हुआ है? ये तो हमारे को कंपलसरी है। अच्छा, यहाँ की लेडीज बिना स्वेटर के नहीं बैठती है। अच्छा, पतला स्टफ है ना, पर ये हम यूज कर दिया, और ये वाला और स्वेटर, हाफ स्वेटर, स्वेटर तो जरूर डालेगी। जब कहीं मार्केट जाना होगा फिर चुन्नी डाल के तब नहीं हम कहते हैं, विदाउट इसमें नहीं हम घर बैठते हैं, फिर चुन्नी हम डालते नहीं है और सिर पर ये लगाते हैं। ये हमारा कल्चर, यहाँ का यहाँ पर कल्चर है। अगर आपको यहाँ पे होम स्टे भी होंगे, आप घरों में रुकने के लिए परमिशन देते हो? होम स्टे है यहाँ बने हुए। अच्छा, होम स्टे है यहाँ पे आपके घर में भी है? नहीं नहीं, यहाँ तो हमारा अपना है। अच्छा, है, हाँ जी, ये हमारा वशिष्ठ का प्रधानमंत्री है। अच्छा, ये हमने बनाया हुआ
ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। अच्छा जी, जिसे आप लोग सरपंच कहते हैं ना। हाँ जी, तो हमारे यहाँ प्रधान बोलते हैं। बहुत भारी है जो आप लेके चल रहे हो। चलो, ये तो हमारी डेली की एक्टिविटी है ना। ये तो ये जितने भी दोस्तों आप पेड़ देख रहे हो, ये सारे के सारे जितने भी पेड़ है ये सेब के पेड़ है, क्योंकि मनाली के आसपास जितने भी विलेज है वहाँ पर कोई भी आपको पेड़ मिलेंगे, वहाँ तक बहुत हद तक यहाँ पे सेब के पेड़ आपको मिलेंगे। ये सेब के पेड़ है जो कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे लकड़ियाँ सूखती हुई, और ये पूरा विलेज वाली लाइफ आपको देखने को मिलेगी। वशिष्ठ के आसपास घरों के अंदर गाय रखी हुई है, गाय के लिए चारा यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि एक अलग सी लाइफ देखने को मिलती है। ये घर है, घरों में लोग यहाँ पर रहते भी है, होम स्टे भी कई लोगों ने बनाए हुए हैं, और यहाँ पे घरों के बाहर गाय पालन करते हुए, तो बहुत ही एक अलग सा एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा कल्चर देखने को मिलता है गाँव का, जो कि हमारे शहर से आए हुए लोगों के लिए एक अलग सी लाइफ होती है, एक अलग सी लाइफ देखने को मिलती है। मेरा एक्चुअली दोस्तों बहुत ज़्यादा मन था कि कभी मैं अकेला हूँ और मनाली के आसपास जो भी गाँव पड़ते हैं गाँव की लाइफ देखने के लिए, उन गाँव में जाकर रुकूं। और बहुत ही कम उनका होम स्टे इसका होता है, 300 से लेके 500 तक होगा, जो कि आप अगर कासोल साइड भी जाते हो, कालका पुलगा तुलगा जो कि बरशैनी के आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पर भी इतने तक के भी आपको होम स्टेज मिल जाते हैं, और बहुत ही एक अलग लाइफ वहाँ पर जाकर देखने को मिलती है। ऐसी मनाली के आसपास में भी आपको 500-700 रुपये में कोई ना कोई होम स्टेज मिल जाएगा, एक छोटा सा रूम मिल जाएगा जिसकी छोटी सी किचन होगी, आप वहाँ पर जाके खाना वाना बनाइए और वहाँ पर जाकर रुकिए, तो बहुत ही एक अलग सा कल्चर देखने को मिलेगा, गांव की लाइफ देखने को मिलेगी। वही मेरा मन था कि कभी मैं रुकूं। बाकी इन फ्यूचर कहीं ना कहीं मैं अभी कल्पा जाऊँगा या सांगला वैली जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं जाऊँगा तो वहाँ पर जो भी गाँव होते हैं गाँव की लाइफ देखने के लिए गाँव में ही रुकूँगा, और उनके लोगों के बीच में रुकना चाहूँगा, और वहाँ पर ही रुककर उनकी पूरी लाइफ को एक्सप्लोर करूँगा, और आपको भी दिखाऊँगा कि कैसे वो रहते हैं, कैसे गांव की लाइफ होती है, कैसा कल्चर होता है पूरा। तो वही मेरा देखने का मन है। हम जो शहर के लोग होते हैं उनको बिल्कुल ये देखने को नहीं मिलता जो कि गांव की लाइफ होती है, जैसे कि वो भेड़ बकरियाँ या गाय अपने घरों में रखते हैं, कैसे उनका कल्चर होता है, कैसे वो सुबह उठते हैं, और पूरा अपना उनका दिन की जो चर्या होती है, पूरी दिनचर्या होती है, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कि उनका लाइफस्टाइल दिखाना चाहूँगा। तो इन फ्यूचर कभी ना कभी चांस मिलेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं जी अभी जोगनी वाटरफॉल के लिए। तो जी यहाँ पर आंटी जी का छोटा सा स्टॉल था, जहाँ पर आंटी जी क्या क्या रखा हुआ है आपने? ये टोपी है, ये आप खुद बनाते हो? और ये कितने का है? कितना 100 का है। अच्छा, तो दे देखो बना रहे हैं पंप में, देखो छोटे के लिए, बड़े के लिए। हाँ जी, दादी के लिए एक है, आप लगाएं उसे। क्या बात है जी, ये देखो जो जैसा देंगे, देखो ये बाल रखने फूले ऐसे लगाने। हाँ जी, बहन को एक आंटी लिमका दे दीजिए। ये नहीं चाहिए, ले लो देखो ये नहीं। कौन है घर में बोल रहे? तो जी ये रास्ता है ऊपर, जब आखिरी का जो 1.25 किलोमीटर है वो थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा। बाकी आप मेरे पीछे भी देख सकते हो बहुत सारे फॉरनर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, हेलो। और थोड़ा सा रास्ता स्टीप है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो गया है, तो थोड़ा जाना मुश्किल है यहाँ से। तो चलते हैं जी ऊपर जोगनी वाटरफॉल के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत थक गए यार। बच्चों के साथ कैसा रहा? बहुत एडवेंचरस हो गया, खुद को चढ़ना मुश्किल हो रहा है, उसको लेके चढ़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो लेट्स मूव। हाय कितना सुंदर है यार। कैसे लग रहा है भाभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जितनी थकावट थी ना
सब की सब दूर हो गई है, बहुत मजा आ रहा है, अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मजा आ रहा है। और रास्ता कैसा लगा आपको? रास्ता शुरू में अच्छा था, बट ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत डिफिकल्ट लगा था, बहुत नैरो है, बहुत ज़्यादा पत्थर है, मिट्टी ऐसे स्लिपरी मिट्टी है, थोड़ा सा केयरफुली आपको चलना पड़ेगा, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। गुगु कैसा लग रहा है आपको? तो फ्रेंड यार, जब हमने चढ़ना शुरू किया था जोगनी वाटरफॉल के लिए करीबन 1.5 किलोमीटर हर कोई बता रहा था, पर जब तक हम ऊपर चढ़ते हुए आए हैं तो रास्ता बहुत ही बढ़िया था। जब तक नीचे एक जो ये जो मेरे पीछे वाटरफॉल देख रहे हो, इसका जो पॉइंट नीचे जो जाता है, जो कि ब्रिज जाता है, वहाँ तक आप जा सकते हो, वहाँ तक बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ़ है। उसके बाद थोड़ा सा नैरो हो जाता है, थोड़ा सा हाइक है अच्छी खासी, और रास्ते और छोटे होते जाते हैं। तो अगर आप ऊपर आओगे तो बिल्कुल आपको ध्यान से आना पड़ेगा। हमारे साथ तो एक छोटा सा बच्चा भी है, जो कि आप मेरा भतीजा देख सकते हो, 4.5 साल का है, तो वो भी आया है, पर बड़ा ध्यान से हमें ऊपर तक आना पड़ा। पर हाँ, ऊपर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरे पीछे वाटरफॉल आप देख सकते हो, कुछ लोग आगे तक जा रहे हैं वाटरफॉल के, अभी हम भी आगे जाएंगे, पर अभी हम साथ में कपड़े नहीं लेकर आए हुए, तो यहाँ तक हम वाटरफॉल को फील कर सकते हैं, क्योंकि हवा से बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ तक आ रही है उसकी छींटें। तो आगे हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि हम कपड़े नहीं लाए हुए साथ में, पर अगर आप आते हो तो आखिरी का जो 1.5 किलोमीटर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी, पर अमेजिंग है, ऊपर आके व्यू बहुत सुंदर आएगा, और ऐसा वाटरफॉल मैंने पहले नहीं देखा। बंगोरू वाटरफॉल भी गए थे, उसका अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, पर वो वाला एक्सपीरियंस अलग था, और ये वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल उससे हटकर है। बाय कर दो, बाय। आपने कर लिया, पहुंच गए, देखा आपने, मजा आ रहे हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीच में मैं थक गया था, पर इसको देख के, इसको चढ़ते हुए देख के वापस दौड़ने लग गया। अच्छा, बच्चे को देख के आपके अंदर मोटिवेशन आ गई कि मैं भी कर लूंगा अगर वो कर सकता है। आपका कैसे रहा एक्सपीरियंस? हम तो फौजी हैं, हम कर लेते हैं। अच्छा, फिर तो ठीक है। जोगनी वाटरफॉल पर, यहाँ पर पहुँच के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। करीबन 2-2.5 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में, रुकते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बीच बीच में हमने बहुत सारे स्टॉप लिए हैं, कुछ ना कुछ जूस पीने में, या बीच बीच में छोटे मोटे आपको वहाँ पे कैफ़े आएंगे, वहाँ पर आप रुक सकते हो। पर यहाँ पर पहुँच के बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं इतनी दूर अभी खड़ा हुआ हूँ जोगनी वाटरफॉल से, और यहाँ तक छींटें आ रही है, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, जो कि आप देख सकते हो, जो कि यहाँ तक इसकी छींटे पानी की, जो वाटरफॉल की छींटे यहाँ तक आ रही है। और पहले आगे बहुत सारे लोग गए हुए थे, पर वो लोग बिल्कुल पूरे गीले होकर आए हैं, तो हम कपड़े एक्चुअली लाए नहीं हुए, और हमारा जो होटल है वो ओल्ड मनाली में है, तो हम पूरे गीले हो जाएंगे, तभी हम आगे नहीं जा रहे, और यहाँ से इंजॉय करते हुए। वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना। मैं मिलूंगा ऐसे ही नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जोगनी वाटरफॉल बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और जो भी यहाँ पर आ रहा है वो एंजॉय कर रहा है। होप करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मनाली के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो, या ओल्ड मनाली जाते हो, तो आपको वशिष्ठ टेम्पल भी जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये जोगनी वाटरफॉल भी कवर करना चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मैं मिलूंगा ऐसी नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।